क्या रामपुर के एआरटीओ विभाग में खुला रिश्वत का खेल चल रहा है? क्या रामपुर के टाइर बस सर्विस और एआरटीओ की साठगांठ के चलते लोगों से मांगी जाती है रिश्वत? जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा रामपुर के एक अखबार के संपादक ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाइसेंस के नाम पर उनसे 3,000 रुपये की रिश्वत टाइर बस सर्विस और एआरटीओ की साठगांठ के चलते मांगी गई है। बहरहाल उन्होंने इस सारे मामले की शिकायत रामपुर के जिलाधिकारी से कही है। उन्होंने अपने लेटर पेड पर लिखित शिकायत दी है। रामपुर से अखलाक अहमद की इस रिपोर्ट पर डालते हैं नज़र। क्या कह रहे हैं रामपुर के पत्रकार मोहम्मद आलिम? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पत्रकार मोहम्मद आलिम। मेरे साथ एक घटना घटित हुई है। मैंने अपने एक भतीजे का हैवी लाइसेंस बनवाया था, जिसको लगभग 4 से 5 माह हो चुके हैं। और उस लाइसेंस को जब हम सारे कागजात हमने पूर्ण करने के बाद हम जब वहाँ पर जमा कर आए आरटीओ ऑफिस में, तो उन्होंने कहा जाइए, आपका डीएल पास हो गया और आपका डीएल जो है घर पहुँच जाएगा। जब 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, तो हम जो है आरटीओ ऑफिस गए, हमने जानकारी की। जब जानकारी की तो हमें पता लगा कि हमारा जो आवेदन था वो ताहिर बस सर्विस वालों को भेज दिया गया। वहाँ पर नजमी और नवेद बैठता है। जब हमने उनको वो आवेदन वहाँ पर देखा, तो हमने कहा आरटीओ से कि साहब ये जो सरकारी कागज़ हैं यहाँ पर कैसे है इसके पास पहुँचे? तो उन्होंने कहा कि पहले आप उनसे बात कर लीजिए। जब हमने वहाँ जाकर बात करी तो उन्होंने कहा 3,000 रुपये की आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। हमने किस बात के देने होंगे कि बोला अंदर रिश्वत जाती है जब ही आपका जो है डीएल बनेगा। हमने कहा हम तो देते नहीं, हम तो पत्रकार हैं। तो उन्होंने कहा पत्रकार हो कोई भी हो, यहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हमने जो है इस संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार मादल जी से आज शिकायत की है। और हमारी शिकायत पर हमें ये मालूम हुआ है, सूत्रों ने बताया कि आरटीओ ऑफिस पास छापामारी हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जहाँ जो ताहिर बस सर्विस आरटीओ ऑफिस के बिल्कुल सामने लिखा हुआ था, एक बोर्ड था, वो भी फटा हुआ है, समय नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि जो वहाँ पे ये लोग बैठे हैं दलाल, ये हर जनता से, जब एक पत्रकार से 3,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं, तो आम जनता से कितने ले रहे होंगे? एक हैवी लाइसेंस के लिए मैं एक पत्रकार से 10,000 रुपये खर्च करा दिए, तो आम लोगों से कितना रुपया ले रहे होंगे, कितना खर्च करा रहे होंगे? तो मैं यही जो है जनता से अपील करूँगा कि इन आरटीओ ऑफिस का ऐसे उसमें जो है बहिष्कार करें और इन दलालों के झांसे में ना आए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक में जो भी जांच करने वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करें, ग्राहक बन के जाएं वहां पे और इनका पर्दाफाश करें। इन लोगों के खिलाफ माफियागिरी जितने माफिया लोग हैं, परिवहन माफिया हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ। मैं अपने जिलाधिकारी, हमारे जिलाधिकारी ने आज तक जितने भी काम किए हैं बहुत ईमानदारी से किए हैं, तो मैं अपने इस प्रकरण में भी उम्मीद करूंगा कि ईमानदारी से जांच कराएंगे और जो है एक पीड़ित पत्रकार को मुझे एक न्याय दिलाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ताहिर बस सर्विस वाले हैं, उन्होंने तानिया ट्रेनिंग स्कूल के नाम से एक वो खोल रखा वहाँ पर, ठीक है। तो उसका सर्टिफिकेट देते हैं, 3,000 रुपये लेते हैं पहले और 3,000 लेते हैं बाद में, 1 महीने के बाद। इस तरह से 6,000 वो ले लेते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, मेडिकल कराते हैं, तो मेडिकल के नाम से भी वो जो वहाँ पे वही दलाल हैं वही पैसे ले लेते हैं 500 रुपये। और उसके लिए ले लेते हैं, क्या नाम है, ब्लड ग्रुप के नाम से ले लेते हैं 300 रुपये। तो इस तरह से लगभग, फिर ऑनलाइन के नाम से ले लेते हैं, लगभग 10,000 रुपये मेरे से ले लिए, एक पत्रकार से ले लिए, तो आम लोग जनता से कितने रुपये लेते होंगे? जबकि उनको ये पूरा पूर्ण रूप से पता है और इनके ऊपर कई बार बैन भी लग चुका है।